जी, आज के सेशन में सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अरुण बंसल सोशल सब्सटेंस से। आज जो हम लोग सेशन कर रहे हैं, हाउ टू डिज़ाइन कॉमिक बुक, ये एक सीरीज़ का हिस्सा है। हम लोगों ने एक पब्लिकेशन के ऊपर एक सीरीज़ की है लेक्चर्स की, जिसमें कैसे पब्लिश करना है, सेल्फ पब्लिकेशन कैसे करनी है, कॉफिटेबल बुक कैसे पब्लिश करनी है, डिज़ाइन कैसे करना है, ये सारे टॉपिक हमने पहले किए हैं। इन टॉपिक्स की वीडियोस आपको हमारे ग्रुप सोशल सब्सटेंस में मिल जाएंगी। कहाँ ढूंढ सकते हैं सोशल सब्सटेंस? हमारा सोशल मीडिया पे एक्टिव ग्रुप है, फेसबुक के ऊपर जाके आप ये ग्रुप में सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। हमारी एक रिसर्च टीम है, उस रिसर्च टीम को हेड करते हैं पुनीत अरोड़ा जी, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग लेकर आते हैं, जो हमारे को क्वेश्चन किए जाते हैं हमारे वीडियोस के ऊपर, कि हमें इस वीडियो के इसको टॉपिक के ऊपर आप हमें बताइए क्या है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सबके सामने ले आया जाए। तो एक टॉपिक हमारे सामने आया था कि कॉमिक बुक्स को कैसे डिज़ाइन किया जाए। देखिए, मेरी ज़िंदगी में कॉमिक बुक्स बहुत महत्व रखती हैं। मैंने अपनी जो लिखना शुरू किया, मैंने जो अपनी कविता शुरू करी, मैंने जो स्टोरीज बनाना शुरू किया, उसका बहुत सारा क्रेडिट मैं जो कॉमिक बुक्स हैं उन्हीं को देता हूँ। उन्हीं को मैं जब पढ़ता था तो मुझे बहुत सारे शब्दों का ज्ञान हुआ, कैसे वाक्य बनाने हैं उनका ज्ञान हुआ। बहुत सारी ऐसी कॉमिक्स थी जो बचपन में मैंने पढ़ी, और मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि मुझे क्या करना चाहिए। सिर्फ वही नहीं, कुछ कॉमिक बुक्स तो हमें वैल्यूज़ भी सिखाती हैं, कैसे हमारे जीवन में क्या आचरण होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कॉमिक बुक्स सिखाती हैं। तो ये जो अभी आज का हमारा सेशन है, इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि आपको पता लगे कैसे अपने थॉट्स को हमें कॉमिक बुक्स के जरिए निकाल सकते हैं, एक बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। तो उस सेशन को आज हमारे साथ जो सेशन के ऊपर बातचीत करेंगे, मैं पुनीत अरोड़ा जी से मैंने जिक्र शुरू करूंगा, जो हमारी रिसर्च टीम को हेड करते हैं और बहुत सारे विषय, जैसे मैंने कहा, कि लेकर आते हैं। वो आईटी जो डिवीज़न है एक हमारी, इकोलॉजिकल कॉरपोरेशन, उसको भी हेड करते हैं, और उसमें बहुत सारे रिसर्च के भी काम करते हैं। और मैं उनके साथ साथ स्वागत करूंगा आशुतोष सब्रवाल जी का, जो कि खुद अपने आप में बड़ी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं। नेचुरोपैथ भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, एक साइंटिस्ट भी हैं, और आज उन्होंने एक टॉपिक उठाया है कि हाउ टू डिज़ाइन कॉमिक बुक्स। तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्वागत करते हुए पुनीत अरोड़ा जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपनी बात को आगे बढ़ाएं। सर, मंच और माइक आपके पास। हाँ जी, थैंक यू वरुण जी। सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। सो बेसिकली हम इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे, वो पहला टॉपिक है हमारा बायोग्राफिक बुक्स या कॉमिक बुक्स, और इसमें हमारे को क्या क्या स्किल्स चाहिए। ग्राफिक बुक्स कितने तरह की होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स, और ग्राफिक बुक बनाने में हमारे को किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसको डिज़ाइन कैसे किया जाए। इसमें एक केस स्टडी लेके हम एक कैनवा नाम का एक टूल यूज़ करके केस स्टडी लेके हम उसका स्टोरी बोर्ड बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसका लेआउट बनाएंगे, और बेसिकली लास्ट में हम सीखेंगे कि अगर आपने, जब हम अपनी कॉमिक बुक बना ली है, ग्राफिक बुक बना ली है या ग्राफिक नॉवल बना लिया है, तो उसको सेल्फ पब्लिश कैसे करना है, ISBN या ISSN नंबर कैसे लेना है उसका। आई होप मेरी प्रेजेंटेशन सबको दिख रही है। जी, पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे को ग्राफिक बुक्स क्यों बनानी चाहिए। सबसे पहला जो मैं सबको ये जो पहला कारण जो मैं बताऊंगा, वो ये बताऊंगा कि ये एक परमिशन लेस, मतलब जहाँ पे आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े कोई जैसे कोई स्टार्टअप है या कोई चीज स्टार्ट करनी है, कोई कोई किसी भी चीज को शुरू करने के लिए आपको गवर्नमेंट के से या बहुत सारी बड़ी अथॉरिटी से कुछ ना कुछ परमिशन लेनी पड़ती है। तो ग्राफिक बुक बनाने के लिए आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ अपने आप से परमिशन लेनी है कि मैं कुछ जिंदगी में बड़ा काम लिखना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और अपना काम दिखाना चाहती हूँ।
और सबसे बड़ा काम दिखाने का मतलब ये है कि आप उसको किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में दिखा सकते हो, वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हो, किसी आर्टिकल के रूप में दिखा सकते हो, और ग्राफिक्स और कॉमिक बुक्स बना के भी दिखा सकते हो। और वैसे भी जो आज का जमाना है, जो ये दौर 2022 का है, इसमें लोगों की जो अटेंशन पावर है वो बहुत कम हो गई है। धीरे धीरे लोग को लंबे लंबे जो आर्टिकल्स हैं या लंबे लंबे नॉवेल्स पढ़ने की आदत नहीं रही है। वैसे तो रीडिंग की आदत ही बहुत और तरह की हो गई है, ज़्यादा लोग अब विजुअल्स देखना चाहते हैं। तो उस विजुअल्स में ग्राफिक्स का, जो ग्राफिक बुक्स का, ग्राफिक नॉवेल्स का एक जमाना वापस आया है। वो कुछ ऐसा है जैसे हम शुरू में थे, स्पेशली जब हमारे पास जो हमारी लिपि थी, हमारी जो स्क्रिप्ट थी, हम जिससे लिखते थे, वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, इतनी ज़्यादा उसमें सोफिस्टिकेशन नहीं थी, और इतने मोटे मोटे लंबे चौड़े नॉवल नहीं लिखे जा रहे थे, या एक ऐसी भाषा में नहीं लिखे जा रहे थे जो आम जनता नहीं जानती। जैसे कुछ भाषाएं हैं जो कुछ बड़े लोग या कुछ यूनिवर्सिटी के लोग या एकेडमिशियंस ही समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, कर पाते हैं, लेकिन कॉमिक और ग्राफिक बुक्स एक ऐसी बुक्स हैं जो कोई भी, चाहे पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, अगर उसको भी अगर वो बुक दी जाए, वो बात को समझ जाता है। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने आप को कम्युनिकेट करने का, अपनी स्टोरीज बनाने का, और आज का जमाना ही इनका है। मतलब स्पेशली क्योंकि जो हमारी अटेंशन पावर है वो कम होने के कारण लोग ग्राफिक विजुअल से ही अगर समझ जाएं, और उसी से अगर हम अपनी बात कर पाएं, और उसी से हम अगर पैसा कमा पाएं, और उसी से हम अपनी जिंदगी चला पाएं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि थोड़े स्किल्स तो इसमें चाहिए, और वो स्किल्स धीरे धीरे बिल्ड किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपको इतना कुछ आना चाहिए, लेकिन इसके केस में, जो ग्राफिक बुक्स की केस में, कॉमिक के केस में, आपको अगर शुरुआत में थोड़े बहुत भी कंप्यूटर्स के स्किल हैं, थोड़े ड्रैग एंड ड्रॉप करना आता है, थोड़ा सा ड्रॉ करना आता है, चाहे हाथ से करना आता है, चाहे माउस से करना आता है, तो आपका काम चल सकता है। कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग कर सकते हैं, कुछ कलर्स की, जो कलर्स थीम की अगर थोड़ी सी समझ हो, तो आपकी जो इमेजेस हैं वो बहुत अच्छी बन सकती हैं। प्लस उसमें अगर आप साउंड इफेक्ट डालना चाहते हो, वॉइस ओवर करना चाहते हो, तो आपकी जो स्कूल में जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करवाती है स्कूल में मैम करवाते हैं, या जैसे वो करवाते हैं एक्सटेम्पोर कराते हैं, डिबेट्स कराते हैं, और वॉइस ओवर की भी अगर आपको प्रैक्टिस है, तो आप अपने जो इलास्ट्रेशंस को धीरे धीरे कार्टून में कन्वर्ट करके उनके पीछे वॉइस ओवर दे के और अच्छी एनिमेटेड ग्राफिक वीडियो नॉवेल्स भी बना सकते हो। उनका बेस भी आज हम डिस्कस करेंगे कि वो किन सॉफ्टवेयर्स में बन सकता है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स पे ही हम जो हमारा फोकस है वो रहेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो स्किल है, जो क्रिटिकल है, वो क्रिएटिविटी है, आर्टफुलनेस है, और अपने आप अपना काम दिखाने का एक हुनर होना जरूरी है। तो वो ये तीन चार चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आप ग्राफिक नॉवेल्स के दुनिया में एंटर कर सकते हो और अच्छा नाम कमा सकते हो। तो ग्राफिक नॉवेल्स हमारे किस तरह के होते हैं, या कॉमिक बुक्स हमारे किस तरह के होते हैं, तो हमारी ये करीबन चार पांच तरह की हैं, जिनमें फुल फ्लेज लोग अपने या तो पूरी 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 वेबसाइट बनाई हुई है, या बुक्स, ई बुक्स बनाई हुई है, या उनकी हार्ड कॉपी बुक्स भी बनाई हुई है, या उनके सिर्फ जो है छोटे छोटे ग्राफिक्स बना बना के ही वो अपनी पॉलिटिकल स्टायर और बहुत सारी चीजें वो बताने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये चार पांच कैटेगरीज है हमारी: कॉमिक स्ट्रिप्स, कॉमिक बुक्स, ग्राफिक नॉवेल्स, ग्राफिक मेमेस, और वेब नॉमिक। तो ये चार पांच तरीके से हम अपने ग्राफिक जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको दिखा और अपनी स्टोरी बता सकते हैं। ये एग्जाम्पल है कॉमिक स्ट्रिप का। ये एक स्ट्रिप है जिसमें एक पूरी की पूरी स्टोरी डिस्कशन हो रही है, पूरी की पूरी एक स्टोरी बताई जा रही है, जिसमें दो करेक्टर्स हैं, लेफ्ट टू राइट इसको पढ़ा जाता है। और ये कॉमिक स्ट्रिप जो है वो सिंगल दो सेल्स की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, चार की भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रिप जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, ज्यादा से ज्यादा 6 सेल्स की, या 6, उसका लेआउट जो कुछ इस तरह का होना चाहिए। और कॉमिक बुक्स तो है ही है, छोटे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, अब बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं, वो मैं आगे एक और एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अदरवाइज हमारे जमाने में वो फैंटम होता था, स्पाइडरमैन आ गया था, और ही मैन होता था, वो सब चीजें
वो रिसाइकल होके अब दोबारा से आ रही हैं, कई रूप में आ रही हैं, किस तरह भी आ रही हैं। और ये मैंने अमेजोन की वेबसाइट की कुछ एग्जाम्पल दी है कि जहाँ पे कॉमिक बुक्स मिल रही हैं, तो आप यहाँ कॉमिक बुक्स बना के भी बेच सकते हो। और अमेजोन का अपना एक प्रोग्राम है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो एक सॉफ्टवेयर देते हैं, टूल देते हैं, जिसमें आप बुक बना के उनके जो उनका जो उनका जो वेब स्टोर है उसके अंदर अपनी जो कॉमिक बुक्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, और यू कैन अर्न मनी ऑल्सो। हाउएवर यहाँ पे हम जो डॉक्टर आशुतोष अभी जो टूल बताएंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो अमेजोन का नहीं होगा। तो आगे चलते हुए ये एग्जाम्पल है, ये जो अगला एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो तो इसमें एक ये इसराइल से एक ऑथर है, उनकी ये किताब है होमो सेपियंस। और इस पूरी किताब बेस्ट सेलर रही है, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, काफ़ी ज़्यादा ये बिकी है। ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर बुक लिखी है, और जब इनकी काफ़ी ज़्यादा किताब चल गई तो इन्होंने उसका ग्राफिक नॉवल भी बनाया, मतलब उसको कॉमिक के रूप में बनाया, और वो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सेलर रही है। उसको क्या कहते हैं, इलास्ट्रेशन स्टोरी के रूप में, कॉमिक के रूप में पूरी मैनकाइंड की जो हिस्ट्री है कि हम हमारा जन्म कैसे हुआ, हमने एग्रीकल्चर हमारा कैसे कैसे वो स्टोन एज आई, कैसे हम एग्रीकल्चर में गए, और आज तक की वो पूरी स्टोरी उसमें बता रहे हैं। हिस्ट्री को पूरी कॉमिक बुक की तरह एक बताया है, और एक बहुत यूनिक आइडिया के साथ उन्होंने ये बुक दोबारा से लाए हैं, वो अपनी जो उनकी एग्जिस्टिंग नॉवल थी जो बहुत मोटी मोटी थी, और वो लोग जो नहीं पढ़ पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, और बच्चे भी अब इस नॉवल को अच्छे से समझ पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जो कुछ बड़े लोग भी अपने नॉवेल्स को भी इलस्ट्रेशंस के थ्रू आज की डेट में एक ग्राफिक नॉवल की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो सेलेबल है, बिकता है, और वो आपको मैं डायरेक्टली अमेजोन पे दिखा रहा हूँ। ये एक और एग्जाम्पल है। आजकल क्या हो रहा है कि कुछ यूट्यूब चैनल और कुछ इंस्टाग्राम के पेज, फेसबुक के पेज, जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, स्पेशली जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, टम्बलर नाम का एक सोशल मीडिया है, तो वो वहाँ पे आप एक चैनल क्रिएट करके या एक पेज क्रिएट करके, वेब पेज क्रिएट करके, वहाँ पे लोग रोज कोई ना कोई कार्टून करेक्टर या ग्राफिकल करेक्टर या ग्राफिकल लैंडस्केप, ग्राफिकल स्टोरी डालते हैं, और ये चैनल इतने ज़्यादा फेमस हैं कि इनके मिलियंस ऑफ मिलियंस फॉलोअर्स हैं, एंड दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ऑल्सो। तो और ये मतलब आप देखोगे कि फुल फ्लेज वेबसाइट्स भी हैं इसकी, और एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया का, जैसे मैंने बताया इंस्टाग्राम के अंदर या फेसबुक के अंदर एक पर्टिकुलर पेज है, और वो वर्ल्ड फेमस पेजेस हैं जिनको मिलियंस ऑफ यूजर्स जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कार्टून्स को यूज करके अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और 10 पैसे 5 पैसे भी कमा पा रहे हैं। और अगर किताबों के रूप में बेचना चाह रहे हैं तो वो कॉमिक बुक की रूप में, जो ट्रेडिशनल तरीका है, कन्वेंशनल तरीका है, बुक जो है ई बुक के रूप में भी बेच पा रहे हैं, और उसको हार्ड कॉपी के रूप में भी बेच पा रहे हैं, और पूरे जो फुल फ्लेज जो हमारे नॉवेल्स होते हैं उनको भी कर पा रहे हैं, और सिंपल छोटे करेक्टर्स लेके, ग्राफिक करेक्टर्स लेके फुल फ्लेज एक चैनल भी क्रिएट कर पा रहे हैं और अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल आप ऐसे भी अगर अमेजोन पे जाओगे तो बहुत सारी बुक्स हैं जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, साइंस जो हमारे को जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, उसके एक्सपेरिमेंट्स की भी बहुत सारी आपको इलस्ट्रेशंस के थ्रू, ग्राफिकल
करेक्टर्स के थ्रू जैसे कॉमिक्स में लिखा जाता है उस तरह भी एक्सपेरिमेंट्स को समझाने वाली बुक्स भी ऑलरेडी मिलती हैं बाजार में, ऑनलाइन भी मिलती हैं और अदरवाइज भी मिलती हैं। तो आप ये समझो कि अगर ये भी एक तरीका है, एक मीडियम है, एक तरीका है पढ़ने और पढ़ाने का। तो मुझे मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है और मैंने अपनी लाइफ में खुद अपना के देखा है कि जब मैं किसी क्वेश्चन का कोई साथ में इलस्ट्रेशन दे देता हूँ, कोई डायग्राम दे देता हूँ, कोई फ्लो डायग्राम दे देता हूँ, तो उसमें मेरे को ऑब्वियसली मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं जोगिंदर और जो मार्क्स हैं वो उस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा हमारे को वेटेज मिलती है। अगर किसी बंदे को, किसी जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, अगर उसको हम अच्छे से विजुअली कोई चीज़ समझा पाएं, तो ऑब्वियसली जो लोग, जो बच्चे थोड़ी सी डूडलिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा आर्ट में उनका इंटरेस्ट है, उनका तो है ही है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको आर्ट, आप ड्रॉ नहीं भी कर पाते हो और आप अच्छे से करेक्टर नहीं बना पा रहे हो या कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सारे स्किल्स सीखे, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हो। और प्लस जो हम टूल्स की अब बात कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाओगे तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर के रास्ते से आप ये सब चीजें इजीली सीख सकते हैं। और कई हमारे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे को कॉमिक बुक्स बनाने में बहुत इजी एक मेथड देते हैं बुक्स बनाने में, और बहुत फास्ट, मतलब विद इन, मैं ये कह सकता हूँ कि किसी बच्चे का अगर इंटरेस्ट हो तो विद इन 1 वीक, 7-8 दिनों में वो कॉमिक बुक्स बनानी शुरू कर सकता है। मतलब अगर ड्राइंग नहीं भी आती हो तब भी वो कर पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इसमें बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको क्या कहते हैं, एक स्क्रिप्ट, एक स्टोरी होनी चाहिए आपके पास। वो स्टोरी को एक आप स्टोरी बोर्ड, बोर्ड का मतलब है उसको डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड करने, जैसे एक मूवी में, एक फिल्म में, एक मूवी में सीन्स होते हैं, पहला सीन, दूसरा सीन, चौथा सीन। तो उसी तरह स्टोरी बोर्ड का मतलब यही है कि हम उसके पूरी स्टोरी को, स्क्रिप्ट को अलग अलग सीन्स में डिवाइड करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टोरी बोर्डिंग। और उसके बाद हम उसकी स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग उस स्टोरी बोर्ड के मुताबिक जो जो पैनल बना है हमारा या जो जो सेल बना है उसके मुताबिक करते हैं। और फिर उसके अंदर सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि उसके अंदर हम कलरिंग कैसे करें, थीम्स कैसे करें, थीम्स कैसे रखें ताकि हमारा जो, हमारी जो इलस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छे से चले। और फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि हमने उसके अंदर जो डायलॉग्स हैं या जो हम स्क्रिप्ट है उसको हम किस तरह प्रेजेंट करें। तो इस प्रोसेस को लेटरिंग कहते हैं। और उसके अंदर कॉल आउट्स और थोड़े थोड़े बैलून्स बना के जो उसके जो जो करेक्टर के डायलॉग्स हैं उनको लिखा जाता है। और फाइनली उसको पब्लिश किया जाता है और बुक को प्रमोट किया जाता है पब्लिशिंग के लिए। हाँ, हमारे को अगर सेल्फ पब्लिशिंग करनी है तो ISBN नंबर खुद लेना चाहिए हमारे को। तो उसके बारे में आज हम थोड़ी बहुत ही बात करेंगे। अभी जो मैं डॉक्टर आशुतोष को इनवाइट करना चाहूँगा कि आगे वो समझाएंगे आपको कि ये कॉमिक बुक्स कैसे बना सकते हैं। हम लोग एक यूट्यूब चैनल है लव स्क्रिप्ट के नाम से, स्क्रिप्ट इसमें वर्ड यूज किया हुआ है। तो उसके अंदर टाइनी लव स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज के बारे हम एक विजुअल यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है हमने। तो उसके साथ हमें ये चाहते हैं कि एक और मीडियम में, 2D मीडियम में, 2D प्रिंट मीडियम में, कॉमिक्स के थ्रू, करेक्टर्स के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग अपनी स्टोरीज को कन्वे कर पाए। तो डॉक्टर आशुतोष बताएंगे कैसे कॉमिक बुक या ग्राफिक स्टोरी बनाई जाती है। थैंक यू सर। जी, कोई बात। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कई बार मैं ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स डूडलिंग करते हैं, जो अपनी कॉपीज में डूडलिंग करते हैं, या एग्जाम के समय जिनको लेबलिंग का समझ नहीं आता कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे जो चित्र बनाना है साथ में और उसको अच्छे से लेबल करना है, या एक हंसी मजाक वाले तरीके से अपनी बात को कह देना है, या एक व्यंग से अपनी बात को कह देना है, तो आज का जो सेशन है उन बच्चों के लिए भी बड़ा यूजफुल होगा। वो बच्चे थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान से सुने जो अभी डॉक्टर आशुतोष बताने वाले हैं कि उनकी जो सिखाई हुई बात है आपके सिलेबस में आपके लिए कैसे काम आ सकती है, और कैसे उसी बात से आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं और आप अपनी भी कॉमिक्स बना सकते हैं। बात को जोड़ने के लिए फाइनली एक बात कहूंगा, आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं
जिसमें पोस्टर बनाने को कहा जाता है। तो पोस्टर बनाते समय हम क्या करते हैं, बस एक ही कंसेप्ट बना देते हैं। आप उसको कॉमिक स्ट्रिप के जरिए भी बना के दिखा सकते हैं, आपके स्कूल के कंपटीशन भी उससे क्लियर हो सकते हैं। बड़े लेवल पे जाएं तो बहुत सारा इसमें कैरियर भी बनता है, तो नौकरी की भी बड़ी संभावनाएं होती हैं। तो ये सारा खुले दिमाग से सोचते हुए डॉक्टर आशुतोष को सुने। डॉक्टर आशुतोष, मंच और माइक आपके पास। थैंक यू सर। सबको मेरा गुड इवनिंग। और आज का सेशन है कॉमिक्स के रिलेटेड, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉमिक्स तो हम आज से सुनते आ रहे हैं, बट जो ये जो कंसेप्ट है पिक्चर्स का, जो एक अपने आप को प्रेजेंट करने का एक कंसेप्ट चलता आ रहा है, तो ये हमारा एशियंट से चलता आ रहा है। जब आदिवासी जो होते थे लोग, वो अपने अपना कोई भी चीज बताने के लिए, क्योंकि उनको स्क्रिप्चर्स की नॉलेज नहीं थी, उनके अंदर कोई वो कोई मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं बनाते थे, तो वो कुछ भी देखते थे उसको ड्रॉ करते थे। आज भी उनके इंडिया में भी ऐसे कई केव्स है जहाँ पे उनके ड्राइंग्स मिलते हैं, कि उनका वो रहते कैसे थे, उनकी जो लैंग्वेजेस है वो एक पिक्चर्स के रूप में है। तो एक केस स्टडी में ये पता चला है कि एक पिक्चर्स जो फोटोज और कॉमिक्स होती है, ये बहुत इजी कन्वे होता है किसी चीज को भी समझाने का। जैसे कि आपके एग्जांपल के तौर पे, कि आपके एक साइंस की नोटबुक होती है, उसमें जैसे सोलर सिस्टम के बारे में बताया जाता है, तो सोलर सिस्टम के बारे में जब बताया जाएगा, थ्योरेटिकल बता दिया जाएगा, पर आपको तब तक समझ नहीं आएगी, आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी कि सोलर सिस्टम होता कैसे है। तो जब तक आप उसकी फोटो नहीं देखोगे, आप इसको समझोगे नहीं कि सोलर सिस्टम होता कैसे है, हमारा प्लैनेट अर्थ कैसे नजर आता है, हमारे और प्लैनेट्स कैसे होते हैं, हमारा सन कैसे दिखता है। तो ये एक कॉमिक के रूप में, या एक पिक्चर के, या इलस्ट्रेशन कह लो इसको, तो आपको उसमें इजीली समझ आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई कॉमिक बनाते हो, तो उसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। कोई भी कॉमिक्स, उसके पीछे उसके एक स्क्रिप्ट का हाथ होता है। जैसे कि अब, जैसे कि मैं अभी आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, और जैसे अभी आपके सामने एक पुनीत जी ने भी अभी बात की, हमारा एक लव स्क्रिप्ट के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जिसके अंदर डेली उसके अंदर कुछ ना कुछ लव रिलेटेड लेटर्स या कोड्स वगैरह वो आते रहते हैं। तो उसमें हम 2D भी इसको एनिमेट करना चाहते हैं, कि ताकि वो 2D के रूप से लोग ज़्यादा इजीली उसको समझ पाए, ना कि उसको रिटन में समझने की जगह उसको 2D में, मतलब एक इमेजिनरी, उसको इमेजिनरी वर्ल्ड से उसको कनेक्ट करने की कोशिश। जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हो कि ये लव स्क्रिप्ट के ऊपर टाइटल है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपके सामने, ये मेरे सामने एक स्क्रिप्ट आ गई है, और इस स्क्रिप्ट में जो जो चीज़ें लिखी हुई है, कि आई एम गोइंग टू लीव यू, शी सेड अनफॉर्चुनेटली एक्सेट्रा, जो भी एक ड्रामाटिकली एक मोशन तैयार हुआ हुआ है, कि तो ये चीज को आप पहले समझो कि वो स्क्रिप्ट में आपने जब लिखी है ऐसी चीज, आप उसमें क्या बताना चाहते हो। अब उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसको अलग अलग वे से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। और जैसे कि एक लेडी है, वो तंग आ चुकी है, तो ये एक लव स्क्रिप्ट है, तो ऑब्वियसली इसके ब्रेकअप के ऊपर होगी, और इसके ब्रेकअप के साथ साथ में इसमें हमें ये बताने की कोशिश कर रही है लेडी, कि ये पहले बहुत परेशान है, और उसको जब अपने फ्रेंड से बात करती है, तो वो उसको बताती है कि आपको क्या हुआ है, क्यों आप रो रहे हो वगैरह, तो वो उसको समझाती है। पर ये जो लेडी है, जो आप देख रहे हो कि ये जो कह रही है लीव यू फॉर एवर जो बोल रही है, वो एकदम से अपने आप को, अपने इमोशंस को चेंज करती है, अपने इमोशंस को चेंज करती है, कि ताकि सामने वाला इमोशनल होकर वो रोने ना लग जाए, अपने आप को इमेजिनरी दुनिया में ना ले जाए, तो वो अपने आप को, अपने मूड को, अपने इमोशंस को मूड में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पे इस कॉमिक्स के अंदर ये बताने की कोशिश हुई है कि लेडी ने अपने इमोशंस को कैसे कन्वर्ट किया, एक सैडनेस टू कन्वर्ट टू हैप्पीनेस। सो दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल आती है अवांडे, तो इसके ऊपर आती है एक मैंने इसके ऊपर एक ओल्ड एज का एग्जांपल लिया, कि जैसे एक फ्लैट के अंदर हस्बैंड वाइफ है, बट बॉस आर ओल्ड, तो वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल के रूप में, जैसे मैंने एक ओल्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ बात कर रहे हैं आपस में, कि तुम जब जब तुम्हारे बुढ़ापा आएगा, तुम गंजे हो जाओगे या कुछ हो जाओगे, जो आपस में एक
कन्वर्सेशन होती है, हर हस्बैंड एंड वाइफ के मध्य होती है, तो वो एक कन्वर्सेशन यहाँ पे दिखाई गई है और उसको वो कैसे कंट्रोल करते हैं, वो किस तरीके से मजाक कर रहे हैं, किस तरीके ठठोलिया कर रहे हैं, तो वो चीज की कन्वर्सेशन दिखाई गई है। तो ये एक कॉमिक का दूसरा पार्ट है जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ की कन्वर्सेशन है, और पहले में हमारे कॉमिक का पार्ट जो था वो था एक ब्रेकअप का। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा जो है हमारा एक जैसे कि आजकल आपको पता है कि कोविड के अंदर काफी लोगों की डेथ्स हुई है, तो ये एक उस तरीके का एक पार्ट है जिसमें एक उस लड़की का बॉयफ्रेंड का हो या प्रेमी का हो वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको बताया जा रहा है, तो यहाँ वो अपने आप को रोक नहीं पा रही, अपने आप को उसको भूल नहीं पा रही है, तो वो डॉक्टर जब उसको बताती है कि वो नहीं रहा अब, तो अब लास्ट में एक सीन में देखो कि वो 4 साल हो गए है उसको मिस कर रही है, उसको अभी भी उसको उसकी याद आ रही है, तो इस स्टोरी में ये बताया गया है। और जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के ऊपर है, तो मैं ज्यादा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल भी आपको दिखाना है कि प्रैक्टिकल करते कैसे है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के रूप में जो चीज बताई गई है, तो आप देखो इसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि लड़की वो डर रही है कि स्कूटर तेज ना चलाओ, मुझे डर लग रहा है एक्सीडेंट ना हो जाए कुछ हो जाए, पर लड़का बेखौफ है, वो कहता है कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ ड्राइविंग में, मैं कुछ नहीं होएगा कुछ नहीं होगा। तो वो पर उसको रियलाइज होता है कि उसका जो ब्रेक फेल हो चुका है स्कूटर का, तो वो अपना हेलमेट उस लड़की को दे देता है, और आगे आ रही होती है कोई ट्रक तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब वो न्यूज में खबर आई हुई है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है कि लड़के ने लड़की की जान बचा दी और खुद मर गया। तो ये एक स्टोरीज थी जो कि मैंने आपको शो की, और जैसे कि अभी पुनीत सर ने आपको आपको बताया था कि हमारे जो ISBN नंबर होते हैं वो इस तरीके से शो होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी अपना कॉमिक बुक बनाते हो तो जहाँ पे अगर आप देखो तो कभी भी आप देखना कि आपके कॉमिक बुक में ये चीजें आपको शो होगी, ये इसको हम ISBN नंबर बोलते हैं, जो कि हमें सेल्फ पब्लिश भी होती है, दूसरा हम पब्लिशर भी इसको पब्लिश करता है। तो जैसे कि ये एक कॉमिक बुक है और उसके ISBN नंबर उसको मिला हुआ है, तो आप इसको जब आपको ISBN नंबर मिलता है तो आप इसको Amazon में या इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप इसको सेल आउट कर सकते हो। तो ISBN नंबर बहुत जरूरी होता है किसी भी बुक्स या कॉमिक्स या किसी के लिए भी। तो ये ISBN नंबर यहाँ से ये जो साइट होती है ISBN लिखकर गूगल में आपको ये वाली साइट होती है, तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट होता है हमें यहाँ से अपना, अगर हम नए हैं तब हमें यहाँ से, अगर हम ओल्ड हो चुके तो हमें यहाँ से करनी पड़ती है। तो ये ISBN का पार्ट होती है। तो दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आप जो कॉमिक जो भी पढ़ते हो, ये कॉमिक सिर्फ आप इंस्टाग्राम में भी देखते हो जैसे कि मीम्स के रूप में, पॉलिटिशियन मीम्स आते हैं या आजकल न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं, अगर आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसके इन बिटवीन कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसमें उसको बताया जाता है, कुछ पॉलिटिकल स्टंट्स को बताया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस चीज को हम कहते हैं मीम्स इलस्ट्रेशंस। तो अगर हम आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि इसको हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, ये आप सबके सामने आ गया कैनवा आ गया जो कि एक फ्री टूल है, इसके अंदर हम जैसे कि अभी आपने जो स्टोरी देखी है उसके हम जो भी चीज बनाना चाहे हम उसमें इसमें बना सकते हैं। और दूसरी इसमें ये है कि सिर्फ कैनवा एक ऑनलाइन फ्री टूल है, बट हम एडोबी इलस्ट्रेशन के अंदर भी ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको इसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि इसको हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें गूगल का साइन अप किया है। गूगल का साइन अप करना ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू अगर आप फेसबुक से कनेक्ट करते हो,
तो कभी भी आपने इसको अगर यूज करना है, इसमें अगर लॉगिन होना है तो गूगल का साइन अप करना, कभी भी फेसबुक के साइन अप से आपको कुछ कुछ चीजों को एसेस करने में मुश्किल आ सकती है, तो गूगल के एसेस में आपको कुछ चीजें आपको मतलब उसमें मुश्किल नहीं आएगी, आपको इजी टू यूज हो जाएगा। और यहाँ पे एक सर्च बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कॉमिक ये कॉमिक स्ट्रिप यहाँ पे आप लिखते हो तो आपके सामने ये कुछ टेम्पलेट्स आ जाते हैं जो कि बने बनाए होते हैं और इनमें से कुछ होते हैं पेड, सॉरी, तो इनमें से कुछ होते हैं पेड होते हैं। तो हमें फ्री वाले टेम्पलेट्स देखने हैं, तो हमें फ्री वाले टेम्पलेट्स कहाँ से मिलेंगे, जिसमें फ्री लिखा होगा यहाँ पे और पेड में यहाँ प्रो लिखा होता है। तो मैंने कुछ टीचिंग के लिए कोई कंसेप्ट बनाना है, मैं एम टीचर, तो मुझे कोई टीचर के लिए कुछ टीचिंग टूल्स चाहिए कि मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ बच्चों को बताने के लिए कि मुझे आज सोलर सिस्टम के बारे में बताना है या कुछ बताना है। तो मैंने ये चीज दबाई तो जैसे अभी आपके सामने ये बनकर आ गया टूल, ये आपको ये सारे टूल जो बनकर आए, ये एक आपके पास टेम्पलेट फ्री आएगा कि बना हुआ आएगा ही आएगा सारा कुछ क्रिएटिव, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसे आएंगे आपके पास टेम्पलेट जिसमें आपके इलुस्ट्रेशन सेट्स होंगे, ये आपके इलुस्ट्रेशन सेट है और जो करेक्टर्स है जो आप करेक्टर्स लगाना चाहते हो ये वो करेक्टर में से है, जिसमें एक टीचर दिखाई गई है, एक फीमेल टीचर, एक मेल टीचर दिखाई गए, बाकी स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं। तो ये एक उस इलुस्ट्रेशन का पार्ट है। और इसमें एक इलुस्ट्रेशन का पार्ट ये भी है कि जो आपके स्पीच बैलून्स होते हैं हम उसको भी यूज कर सकते हैं, ये स्पीच बैलून्स जो कि आपकी कन्वर्सेशन को बताने के लिए यूज होता है, और ये भी इलुस्ट्रेशन का पार्ट है। ये जो एक स्टडी चेयर्स होगी, ये आपका बेंच हो गया, ये इसको ये आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, ये आपका नोट्स बोर्ड हो गया, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे टेम्पलेट आप और भी चूज कर सकते हो, ये टेम्पलेट की ऑप्शन होती है। अब हमें कुछ अगर हमें हम कुछ एलिमेंट चाहिए तो जैसे कि मुझे कोई एलिमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉमिक करेक्टर लिखूंगा, तो कॉमिक करेक्टर लिखा तो मैंने ये कॉमिक करेक्टर लिया यहाँ लगा दिया, कॉमिक करेक्टर यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद मैं ऑडिबल हूँ ना, मेरी आवाज आ रही है ना अरुण जी? हेलो, आपकी आवाज भी आ रही है और आपकी प्रेजेंटेशन भी हम पूरा बहुत मजे से देख रहे हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है सर, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फीमेल बिठाई है, अब जब मैंने यहाँ पे फीमेल बिठाई है इसके पीछे मुझे बैकग्राउंड चाहिए कि ये बैठी किसके ऊपर, कोई खाली स्पेस लग रही है मुझे, तो मैंने इसके लिए कोई लैंड एक्वायर करनी है, तो मैंने यहाँ पे लैंड लिखूंगा तो आपके सामने एक फ्री ऑफ आ जाएगा यहाँ पे जो आपका फ्री होगा। ग्राफिक्स के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शंस आती है, ऑल फोटो ग्राफिक्स वीडियो एंड ऑडियो, तो आपने यहाँ पे जाना है और हमें जो हमें मटेरियल चाहिए वो स्टैटिक में चाहिए, एनिमेटेड में नहीं चाहिए। अगर एनिमेटेड में चाहिए तो एनिमेटेड को टिक करना है, बट अगर हमें स्टैटिक में चाहिए तो हम स्टैटिक को टिक करेंगे। और हमें किस चीज में चाहिए, प्रो में या फ्री में, तो हम फ्री का कंटेंट ढूंढ रहे तो फ्री में चाहिए, तो मैंने यहाँ फ्री का कंटेंट ढूंढा तो मुझे फ्री का मिल गया। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे कोई लैंड मिल जाए, ग्रीनली सी कोई लैंड मिल जाए, अगर नहीं मिलती तो मैं किसी और जगह देखता हूँ, अदरवाइज जैसे कि मुझे ये मिल गया। अब ऐसा काम जो होता है बहुत ब्रिकी का होता है, तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे जो आप यहाँ पे बटन देख रहे हो ये जूमिंग का बटन होता है कि ताकि हमें बिल्कुल ब्रिकी से हम उस चीज को बिठा सके किसी चीज को भी। तो हमने इसको थोड़ा सा जूम किया ये मैंने इस तरफ लगा दिया, नीचे मैं कोई गार्डन सा लगाऊंगा अगर मुझे मिलता है तो। आपके पास
Hi, Ashutosh. Sorry to bother. You just need to know the name of the app. Sorry, I was driving, so I just missed on which platform you are working. It's amazing. जी, ये ऐप का नाम है कैनवा है. ओके, गॉट इट. ओके, थैंक यू. तो आप इसमें कंट्रोल कंट्रोल एक ब्रैकेट की ऑप्शन होती है, आप वहां से भी इसको ये जो आपकी पिक्चर है, अब इसकी जो पिक्चर है लेडी के आगे आई हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये लेडी के पीछे चले जाए, ये जो ग्रास है इसके पीछे बैकग्राउंड में चली जाए. तो मैं दो तरीके से इसको पीछे ले सकता हूँ. एक तो मैं शॉर्ट कीज बता दूंगा, दूसरा यहाँ पे आपको एक टूल नजर आ रहा होगा पोजीशन, जहाँ की आपके यहाँ पे एडिट एडिट इमेज, क्रॉप, फ्लिप और एनिमेटेड, और यहाँ पे पोजीशन का बटन होता है, तो आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका शॉर्ट कीज भी लिखी हुई है साथ के साथ, तो आप इसकी शॉर्ट की याद कर लोगे तो आपको पता चल जाए कौन सी कीज हमने दबानी है. तो मैं यहाँ पे बैकवर्ड बताऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली वो पीछे हो जाएगी, उसके बैकग्राउंड में चली जाएगी. तो अब मुझे यहाँ पे मुझे एक प्लेन सरफेस चाहिए, एक वन मिनट, अब मुझे प्लेन सरफेस नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, तो मैं एक और काम कर सकता हूँ. यहाँ पे आपको एक लाइन एंड शेप की चीजें है, तो आपको यहाँ पे लाइन एंड शेप मिल रहा है, तो आप यहाँ पे ये चीज लो और इसको हम एडिटिंग करेंगे, थोड़ा सा क्रॉपिंग करेंगे इसकी, कि हमें इतना पार्ट नहीं चाहिए, जैसे कि हमें इतना और यहां से हम कलर ग्रीन चूज कर लेंगे. और मैं अब शॉर्ट की दबा रहा हूँ, वो पोजीशन वाला बटन आपने देखा होगा, आप वहां से दबा देना. तो मैंने ये शॉर्ट की दबा के इसको पीछे कर दिया. तो नाउ ये आपको क्या लग रहा है कि अब जो लेडी है ये किस सरफेस के ऊपर बैठी हुई है? एक ग्रीन ग्रास के ऊपर बैठी हुई है, पीछे उसकी बैकग्राउंड है ग्रास की. तो आप इस तरीके से उसको इलुस्ट्रेट कर सकते हो, इस तरीके से आप उसको इमेजिनेट करके उसको बना सकते हो. तो अब वो लड़की एक नॉवल पढ़ रही है, एक कॉमिक पढ़ रही है, कुछ भी पढ़ रही है. तो मैं चाहता हूँ कि इसके फेस खाली है, इसके फेस के अंदर कुछ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इसका एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन मैं चाहता हूँ कि इसका फेस एक्सप्रेशन मिल जाए. तो आपको फेस एक्सप्रेशन वही फॉर्मेट से मिलेगा जिस फॉर्मेट का नाम है एलिमेंट. तो आपको फेस एक्सप्रेशन मिल गया और आपको यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन इसका यहाँ पे शो हो गया है. एक मिनट, हाँ यहाँ शो हो गया है. अब ये करैक्टर जो है बिल्कुल फुल फेल लग रहा है, पर कहीं भी ऐसा नहीं होता कि जो ये जो पीछे बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है वो एक बैकग्राउंड क्या कहते हैं क्रीमिश कलर का नहीं होता, स्काई कलर का होता है. तो आप इसको क्लिक करके, ऊपर को क्लिक करके यहाँ पे कलर की ऑप्शन होती है, और मैं यहाँ पे स्काई कलर कर लेता हूँ. तो ये स्काई कलर किया तो एक एग्जैक्ट आपके सामने एक कॉमिक बन गया. अब मुझे चाहिए कि ये लड़की कुछ बात कर रही है, कन्वर्सेशन कर रही है, तो यहाँ पे मैंने स्पीच बबल्स एक यहाँ पे लिखूंगा, स्पीच बबल्स, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहाँ बबल्स मिलते हैं. तो ये यहाँ पे कई तरीके के बबल्स मिलेंगे, कुछ पेड मिलेंगे और कुछ फ्री मिलेंगे. तो आप ये फ्री वाला बबल्स को लेकर, और ये एक फ्लिप की ऑप्शन मैंने आपको पहले बताई थी, आज मैं उसको यूज करके बता रहा हूँ. आप फ्लिप करोगे हॉरिजॉन्टल ये टर्न हो जाएगा, थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल ये टर्न हो जाएगा और वर्टिकली नीचे चले ऊपर आ जाएगा. तो अब मैं इसको यहाँ से शॉर्ट करता हूँ और यहाँ पे सेट करता हूँ. दूसरा यहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन होती है, तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ. एक तीन तरीके के टेक्स्ट होते हैं, एक हेडिंग होता है जो कि बहुत बड़े लेवल में आता है, एक सब सब हेडिंग होता है ये से छोटा होगा, और एक होता है हमारा लिटिल बिट बॉडी टेक्स्ट जो कि बहुत ही छोटा होता है. तो हम इसमें लेंगे सब हेडिंग टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे
सपोज हम यहाँ पे वाव लिख देते हैं और यहाँ पे मैंने वाव लिख दिया, तो यहाँ पे मैं अपने जो ये करेक्टर को चेंज कर सकता हूँ किसी भी चीज के अंदर। यहाँ पे मैंने पैसिफो लिया है क्योंकि ये कॉमिक के लिए बेस्ट है, आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हो जो आपको पसंद लगे। तो मैंने इसके अंदर इसको बिठा दिया। दूसरा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि बाई चांस कभी कभार हमारे से अपना अपनी जो हो ये चीजें होती हिल जाती है। मान लो कि मुझे लड़की ऐसे हिल गई तो मेरा ये तो पीछे रह गया, अभी ये फेस इसके साथ नहीं आया, ये फेस तो पीछे रह गया, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ग्रुपिंग करके आपको बताता हूँ कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले इसको क्लिक करना है और फिर शिफ्ट का बटन, कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन दबा के इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने पोजीशन से पहले नंबर में आपके ग्रुप की ऑप्शन आ जाएगी, तो आपने ग्रुप कर देना है। तो अब ये आप कहीं भी ले जाओ, इसके फेस के साथ ये वापस जाएगी, कहीं भी जाएगी, आप इसको चाहे छोटा करो बड़ा करो, ये फेस के साथ ही इसका चेंज होता रहेगा। कुछ कुछ कोई चीज खराब नहीं होगी, सिर्फ ये हिल रही है और कुछ नहीं हिल रहा। क्या चीज बच्चा? Hello? अभी आपने जो बताया सर, ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ग्रुपिंग का क्या है कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक अगर आपको नजर आ रहा है, मैं इसको जूमिंग करके दिखाता हूँ। एक्चुअली वो शॉर्ट करके ही मुझसे होता है, जूम करके नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर इसको जूम करके देखोगे, इससे जूम होगा नहीं है, पूरा फुल जूम है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन चुका है, एक रेक्टेंगल, सॉरी, यहाँ पे इस चीज को, इस फेस को इसने कवर कर लिया है। और यहाँ पे इसकी बॉडी को कवर करने वाला एक दूसरा दूसरी चीज ने कवर कर लिया है। तो ये अभी ये ग्रुपिंग के अंदर है। मैं अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसका फेस पसंद नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये फेस सूट नहीं कर रहा, सो मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। तो क्या होगा, तो ये होगा कि जैसे कि मैंने इसको ऊपर क्लिक किया, तो अब मैं इसको हिलाऊंगा तो इसका फेस उस जगह में इसके साथ नहीं जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया इसका फेस, और फेस इसका यहाँ पे ही है और ये यहाँ पे इसकी बॉडी है, तो ये फेस बिल्कुल इसका ब्लैंक हो गया। पर मुझे अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो फेस है वो क्या, इसका जो फेस है मैं चेंज करना चाहता हूँ। वन मिनट, तो मैंने एक यहाँ पे आपके ऑप्शन होती है डिलीटिंग की, तो आप इस फोटो को अपने कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हो, कीबोर्ड से, और यहाँ से माउस से भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। अब मैं दोबारा उसी चीज के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा फेस एक्सप्रेशन। अब जैसा अगर हम फेस एक्सप्रेशन लेंगे तो उसकी इमेज इमेज भी वैसी ही नजर आएगी। मतलब कि अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे करेक्टर में वाव लिखा है, तो यहाँ पे अगर मैंने ये फेस लगा दिया, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये फेस लगा दिया, वाव की जगह मैंने ये वाला फेस लगाया, तो ये करेक्टर लग नहीं रहा, वो ये लग रहा है कि एक तरफ इसको खुशी खुशी वाव कर रही है और दूसरी तरफ ये एक नाराजगी जैसी इसने शक्ल बनाई हुई है कि या मतलब मैच नहीं हो रहा, ये मिस मैच हो गया। तो ये भी एक कॉमिक के अंदर ये देखना होता है कि अगर आप जो वर्डिंग कर रहे हो उस वर्डिंग के अकॉर्डिंगली अगर आपका फेस एक्सप्रेशन मैच नहीं होता तो चीजों को अच्छा अच्छी कॉमिक नहीं बनाया जा सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मुझे अब क्या करना है, मैं अब आपको सिर्फ अंडू करके दिखाऊंगा, कंट्रोल जेड करके, जो आपका कीवर्ड होता है, जो ये सारी चीजें आपकी वापस चली जाएगी।
अब आपको ये चीजें देखो, ये फिर से फेस अप फेस आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है, क्या बेटा सर, ग्रुप ग्रुप कैसे करना है? यस सर। अच्छा, ग्रुप ग्रुप करने के लिए जो जो आपने टूल्स, जो आपने एलिमेंट्स का यूज किया है उसको ग्रुप करने के लिए, क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स मैंने पहले बताए, जैसे कि हमने मैंने फेस एक्सप्रेशन अलग लिया और गर्ल्स एक लड़की की बॉडी अलग ली, तो इसको मैंने पहले गर्ल की बॉडी ली फिर फेस एक्सप्रेशन लिया। अब मैंने इसको अगर कंबाइंड करना है तो मुझे इन दोनों, ये दोनों इकट्ठे नहीं आए हैं, ये दोनों अलग अलग आए हैं। तो मैंने जैसे कि फेस एक्सप्रेशन को क्लिक किया और साथ ही मैंने इसकी बॉडी को शिफ्ट दबा के, कीबोर्ड का शिफ्ट दबा के क्लिक किया और यहाँ पे ग्रुप की ऑप्शन आ जाती है। आपको नजर आ रहा है ग्रुप ऑप्शन कहाँ आ रही है? यस सर। ओके, ग्रुप की ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है और इसको क्लिक कर दिया और ये अब ग्रुप हो चुकी है फोटो। अब इसको फोटो को कहीं भी लेके जाया जा सकता है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसकी इमेज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि अब मुझे इसके कलर चेंज करना है तो वो कलर कैसे चेंज कर सकता हूँ। एक क्लिक करना है आपको इसके, इसकी फोटो के ऊपर, तो आपके यहाँ पे कलर ऑप्शन निकल के आते हैं। यहाँ पे ब्लैक, ग्रे कलर और स्काई ब्लू, और जो इसकी पजामा का कलर आया हुआ है ब्लू, यहाँ पे मैं ये कलर मैंने चूज किया तो मैंने रेड कर दिया मान लो, और इसके शू का कलर भी मैंने। नमेदी जी, एक गल वापरी है तो 20 साल ओहो 20 साल एहे तकरीबन 42 साल हो गए जी। 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਿਤ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਮਨਪੂਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। I would request admin to please mute the participant. Thank you. So, यहाँ पे मैंने अब आपको दिखाया कि इसके कलर इसके चेंज हो गया, जैसे कि मैंने इसका जो ट्राउजर है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। साथ ही साथ जैसे आप देख रहे हो कि ये भी रेड हो गया, तो हम ये हमें नहीं पता है कि ये टूल बने बनाए, ये जो करेक्टर है बने बनाए हैं, हम बने बनाए करेक्टर ले रहे हैं, सिर्फ उसके एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं और उसके हम कलरिंग चेंज कर सकते हैं, तो हमें बने बनाए करेक्टर्स मिल जाते हैं हमें इस टूल से। और क्या हमें जी बेटा कलर कैसे चेंज किया था? अच्छा, मैं दोबारा दिखाता हूँ। कलर चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक टूल है, ये तो ये जूम होएगा, आपके पास यहाँ पे सबसे ऊपर वाले में एक टूल आता है जहाँ पे एडिट इमेज, क्रॉप और फ्लिप के ऑप्शन होती है। उसके साथ यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि यहाँ पे जो इस करेक्टर के कलर ऑलरेडी लिए गए हैं वो उसके कलर आएंगे। अगर मैं यहाँ बैकग्राउंड में दबाऊंगा तो सिर्फ एक कलर आएगा क्योंकि यहाँ पे एक कलर को दबाया गया। अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो इसका भी एक कलर आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ अलग लिया है। यहाँ दबाऊंगा तो यहाँ पे अलग आएगा क्योंकि इसका अलग है। तो हर करेक्टर का, हर करेक्टर का, चाहे वो बैकग्राउंड हो चाहे वो करेक्टर हो, तो उसके अलग अलग उसके कलर्स ऑप्शन आएगी। मैं आपको एक फिर से इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैंने अब इसको मैंने येलो कलर करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको येलो कलर कर दिया और इसके ट्राउजर को मैंने ग्रीन कर दिया, या ग्रीन मैच हो रहा है, ब्लू कर दिया। तो देखो यहाँ पे इसकी कलर फिर से चेंज होगी और यहाँ पे इसकी कलर एक वाइब्रेट बनकर आ रही है। कलर की ऑप्शंस का भी हमें बिल्कुल अच्छा पता होना चाहिए कि कलर कौन कौन सा कलर किसके साथ मैच होता है। अब ये येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे ये चीजें मैच होगी। और अगर हमने और कुछ करना है, अब हमें चाहिए क्लाउड्स इसके अंदर लगाने हैं, तो वो भी हमें सेम एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्लाउड्स ले लेंगे, सॉरी क्लाउड्स लेके वो आ नहीं रहा टूल, मतलब उसका एलिमेंट नहीं आ रहा था, तो मैंने अब स्काई लिखा तो मुझे स्काई में मिल गया।
नहीं नहीं सर, आगे स्काई के अंदर आ गया, वो कई बार नहीं आता, सेम वर्डिंग में नहीं आता, तो जैसे कि हमें ये अब हमें ये चीजें मिल गई है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। अब मुझे इसका कॉपीराइट बनाना है, ये एक क्लाउड है, इसका कॉपीराइट बनाना है, तो मुझे एक नोट कर लो, हमें एक माउस का जो हम राइट क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक प्लस ऑल्ट का बटन कीबोर्ड में, तो हमें राइट क्लिक दबा के ऑल्ट का बटन दबा के यहाँ से मैंने इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया, और मैं इसके चाहूँ तो मैं और क्रिएट करके और बनाऊँ, और चाहूँ तो और कर दूँ। सर एडिटिंग हम मोबाइल में भी कर सकते हैं? मोबाइल में कर सकते हो बेटा, मोबाइल में भी इसका है इसका टूल, और अगर आप इसको यूज करना चाहो मोबाइल में कर सकते हो, पर मोबाइल में आपका एफर्ट्स थोड़े से ज्यादा लगेंगे, और एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप और लैपटॉप तो आपके उसमें एफर्ट्स कम लगेंगे, क्योंकि उसमें आपके दो आउटपुट डिवाइस का यूज हो रहा है, जो कि एक माउस और कीबोर्ड है, और उसमें आप अपना इजीली इसको बना सकते हो, आप मोबाइल में भी बना सकते हो, उसको कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो, तो उसमें कई बार हमारा मोबाइल जंक हो जाता है हमारे कई डाटा के कारण, तो बेस्ट यही रहता है कि लैपटॉप में बनाओ, पर आप उसको मोबाइल में उन्होंने एसएस दिया हुआ है तो आप उसको मोबाइल में भी क्रिएट कर सकते हो, या आपने कोई भी लैपटॉप में चीज़ बनाई हुई है तो उसको अगर आप मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो, आप भूल गए कि आपने लैपटॉप में तैयार किया हुआ है, तो आप उसको मोबाइल में जाके डाउनलोड कर सकते हो, तो आराम से आपका डाउनलोड हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं अब आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे कैनवा हमें बहुत कुछ काफी टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे वैसे जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ कि एक बैकग्राउंड टूल होता है हमारे यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे मैं वुडन का बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ वुडन बैकग्राउंड लगाई, तो यहाँ पे वुडन बैकग्राउंड आ जाती है, तो हमें ये कैनवा ये चीजें प्रोवाइड करता है। और अगर आप कोई ऐसी चीज दिखा रहे हो, लाइक मैं अभी आपको एक और एलिमेंट दिखाता हूँ, या ये देखो कि ये जो लेडी है इसने कप पकड़ा हुआ है, इसने ये जो कप पकड़ा हुआ है, मैं दिखाना चाहता हूँ ये ब्रांडेड कप है, तो यहाँ पे आपके पास एक टूल होता है जिस टूल का नाम होता है ब्रांड फेच, तो आप इसके ऊपर जी सर मुझे बैकग्राउंड के पार्ट से बस मोर ऑप्शन दिख रहा है और से कुछ नहीं दिख रहा। बैकग्राउंड में आपको क्या नजर आ रहा है? वो पहले बैकग्राउंड में अभी होम ही ना बेटा, मैं बैकग्राउंड में नहीं हूँ बेटा, अभी मैं हूँ बैंड फेच में हूँ, बैकग्राउंड अगर आपने चेंज करनी मैं दोबारा आ जाता हूँ उसको बताने के लिए। नो सर, से मैं बोल रही थी बैकग्राउंड के बाद से मोर ऑप्शन आ रहे हैं, सर मुझे ब्रांड फेच ऑप्शन नहीं मिल रहा। आप इस टाइम आप मोबाइल से यूज कर रहे हो? नो सर, लैपटॉप। ओके, बताओ आप कहाँ पे हो इस टाइम? सर मैं अभी सर मोर ऑप्शन में हूँ, सर उधर मुझे यही सर ब्रांड फेच नहीं दिख रहा बैकग्राउंड के अंदर। नो सर, सर मोर ऑप्शन के अंदर। अच्छा मोर ऑप्शन, ओके ओके। हाँ, ये जो मोर ऑप्शन, ये जो टूल्स है ना जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमें मोर ऑप्शन में मिलते हैं, जैसे कि आप ये यूट्यूब देखो, पिक्सार्वे देखो, पिक्सल्स देखो, इमोजी और बैंड फेच, ये टूल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, पर बैकग्राउंड का टूल ऑलरेडी आपके उसको वो उसके अंदर मोर ऑप्शन के अंदर नहीं होगा, वो ऑलरेडी आपके वहाँ पे एग्जिस्ट होगा, वो बाहर होगा उससे अभी। ओके सर, मिल गया सर। और ब्रांड फेच, ब्रांड फेच आपका ये टूल काम करता है जिसमें आप कोई भी कंपनी का लोगो, आप उसमें उसका कंपनी का लोगो निकाल के उसका दिखा सकते हो, जैसे कि मैं कैफे कॉफी डे का निकालूं या स्टारबक्स का निकालूं या फिर मैकडोनल्ड का निकालूं, तो मैं वहां पे निकाल सकता हूं। मैं एग्जांपल में आपको एक मैकडोनल्ड का निकाल के दिखा देता हूं। यहां पे देखो ये टूल्स में आपको यहाँ पे उस चीज के अमेजोन का निकल रहा है, नेटफ्लिक्स का अंदर निकल रहा है, तो यहाँ पे सारे आपके ऑप्शंस हैं, ये सारे उसके
लोगोज है जिस जिस कंपनी के हैं। दूसरा आप क्या काम कर सकते हो, मुझे मुझे स्टारबक का चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टारबक्स लिख दिया, तो मैंने मैं यहाँ पे गया स्टारबक्स के ऑप्शन के अंदर और इसका मैंने कॉपी किया, ये जो आप देखते हो इसको बोलते हैं हमारा HTTP, तो हमने इसका URL कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पे ब्रांड फेच के अंदर हमने इस वेबसाइट के अंदर कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर दिया। तो ये देखो इसके अंदर ये स्टारबक का ऑप्शन आ गई, ये इसका लोगो आ गया और मैं इसको इस लोगो को इसके कप के अंदर मैं इसको डालता हूँ। आप दिखाना चाहो तो दिखाओ, नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, जस्ट मैं आपको एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ये ऐसा भी इसमें कर सकते हो। आप कोई भी किसी कंपनी का भी लोगो, आप उसकी कंपनी का लोगो यहाँ दिखा सकते हो। तो जैसे कि मेरे को एक्सक्यूज मी सर, सर जैसे अगर ये टेढ़ा है कप थोड़ा सा, अगर हमें इस लोगो को भी टिल्ट करना है तो कैसे करेंगे? हाँ, तो आपके जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है जो जिसके जो एक ड्रैगिंग ऑप्शन है और एक है रोटेशन ऑप्शन है, दो ऑप्शन इसके साथ दी हुई है और तीसरी ऑप्शन है इसको जूम जूम इन और जूम आउट करने की ऑप्शन। तो जैसे कि अब ये कप टेढ़ा है तो मैंने यहाँ पे रोटेशन ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखो नीचे इसकी डिग्री भी आ रही है, जब ये सीधा था तो ये 0 डिग्री के अंदर था जब मैंने इसको डाला, अब ये मैंने इसको हल्का हल्का टिल्ट किया तो मुझे पता चलने लग गया कि ये 11 डिग्री में सूटेबिलिटी बैठ रही है इसकी, या फिर आई थिंक 9 डिग्री में, हाँ तो 9 डिग्री में इसकी सूटेबिलिटी बैठ गई है और 9 डिग्री में ये मुड़ गया। इसकी डिग्री का यहाँ पे लिखा आता है, जब आप लैपटॉप में करोगे या किसी चीज में करोगे उसको जूम इन करके आप उसको देख सकते हो कि उसकी डिग्री लिखी आती है। तो यहाँ पे जी बेटा सर मोबाइल में तो वो ऑप्शंस नहीं आ रहे, मैंने वही कहा था कि मोबाइल के अंदर कुछ एसएस आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, मोबाइल के अंदर बन जाता है, पर आपको अगर आपको कभी आपको जूम करना जूम इन करना जूम आउट करना है तो आपको उसे अपने फिंगर टिप से करना होगा, उसके लिए कोई कमांड नहीं होती, सिर्फ आपको अगर किसी चीज को कॉपी करना तो प्रेस करके रखना है तो कॉपी की ऑप्शन आएगी तब आप उसको करोगे, पर लैपटॉप और कंप्यूटर में ये फर्क होता है कि आप किसी चीज को कॉपी और पेस्ट करना है तो आप अपनी शॉर्ट कीज का यूज कर सकते हो, जो आप एक माइक्रोसॉफ्ट के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट में आप बनाने के लिए करते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस चीज का अगर आपको टीचर ने बताया हुआ है तो हम उस चीज को इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो मोबाइल के थ्रू इसलिए इसमें इजी हो जाता है, अगर मोबाइल से ज्यादा अगर आप इसमें बनाओ तो ज्यादा इजी होता है, मोबाइल में भी बन सकती है बट अगर आप इसमें बनाओ तो ज्यादा, आपको इजी मेथड बता रहा हूँ कि आपके लिए ज्यादा इजी हो जाए आपकी क्रिएटिविटी को इनहांस करने के लिए, ठीक है बेटा? और अब मैंने जैसे कि अब जैसे कि मुझे कुछ बनी बनाई कुछ चीज चाहिए तो आप इसमें अपलोड भी कर सकते हो, मैंने कुछ अपलोड की हुई है तो मैं आपको वैसी चीज दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये चीजें मैंने अपलोड की हुई है तो ये आपको कहाँ से मिलेगी मैं वो साइड अभी आपको बताता हूँ, और ये कौन सी इमेज होती है ये भी मैं बताता हूँ, इस इमेज का नाम होता है पिंग इमेज PNG, और ये आपको मिलेगी यहाँ पे ऑप्शन है पर उसके अंदर जाने से अच्छा जो पिक्साबे लिखा हुआ है, अब मैं आपको ये पिक्साबे के अंदर लेकर जाने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैं गया, ये भी एक टूल है जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी चीज को शो कर सकते हो। अब मान लो तब तक वो आ रही है तब तक मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि मुझे इसका सिर्फ ये वाला सर दोनों का सर दिखाना है, नीचे का हिस्सा नहीं दिखाना, तो मैं इसको यहां से कट कर दूंगा और इसको मैं जूम कर दूंगा जितना हो सके, मैंने इस तरीके से इसको दिखा दिया, तो यहाँ पे
ये हिस्सा कन्वर्सेशन के लिए बेस्ट आ रहा है क्योंकि वो देखो एक हिस्सा कट के आ गया और वो हिस्सा अलग हो गया, बॉडी का हिस्सा अलग हो गया, बॉडी को मैंने काट दिया, सिर्फ इनके फेस दिखा दिया मैंने और ये डार्क फेस है, आप इसमें कुछ भी और भी चीजें कर सकते हो। जी सर, बस एक सेकंड बीच में मुझे मॉडरेट की तरह इंटरप्ट करना होगा। मुझे थोड़ा ये जानना है कि आज का जो सेशन है, नॉर्मली हम लोग एक घंटे के करीब रखते हैं, तो आपकी डेमोंस्ट्रेशन में भी कितना समय है ताकि हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे एक बार बीच में इंटरेक्शन करने के बाद आगे चल सकते? बस अब खत्म ही होने वाले, मैं उनको एक टूल बता देता हूँ फिर खत्म कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। हाँ आप नहीं, आप अपना टाइम अगर मुझे बता दें तो आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा क्योंकि कुछ बच्चों ने हमें पिछली सेशन में कहा था कि उनको थोड़ा जाना होता तो इसलिए मैंने बीच में पूछ लिया, तो अगर आपको लगता है कि खत्म होने वाला है देन कैरी ऑन प्लीज, आप मतलब 15 मिनट और ले सकते हैं। जी जी, मैं आज मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो पिक्सल बे के अंदर ये यहाँ पे एक ऑप्शन होती है सर्चिंग ऑप्शन के अंदर, जैसे कि आप कोई भी चीज डालोगे, मान लो मैंने बुक डाल दिया तो यहाँ पे एक बुक बतेरी यहाँ पे आपको वो मिल जाएगी, एग्जाम्पल्स मिल जाएगी। अब यहाँ पे कलर ऑप्शन के अंदर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आता है, तो आप ट्रांसपेरेंट को वो करोगे तो आपको यहाँ पे ये चीजें इमेज मिलेगी जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होगा, ये ट्रांसपेरेंट एक ऑब्जेक्ट होगा। तो आप ये चीज डाउनलोड करके इसको आप अपने इसमें डाल सकते हो, इस चीजों को और क्रिएटिव बना सकते हो। जैसे कि मैंने वो लेडी आपको दिखाई थी, तो यहाँ पे एक लेडी है जो एक किताब पढ़ रही है और इसकी जो पीछे जो इमेज है वो होगी है ब्लैंक, इसका बैकग्राउंड नहीं है। तो आप ये चीजों का पिक्सा बे के अंदर और पिक्सल के अंदर जाके भी इसको यूज कर सकते हो। बाकी और किसी के अगर कोई डाउट्स हो, मैं अब यहाँ पे अपनी मैं अपनी अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर रहा हूँ, तो किसी का अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना प्लीज। सर यस सर, आपने जो उसे गर्ल लिया था सर, वो कैसे लिया था सर, मुझे नहीं मिल रहा। क्या कह रहे हो बेटा? सर जो आपने गर्ल लिया था सर, वो सर कैसे लिया था सर, मुझे नहीं मिल रहा। वो बेटा एक साइट है, वेबसाइट है जिसका नाम है पिक्साबे। ओके सर। पिक्साबे साइट है जिसको आप क्लिक करके आप उसमें वहां पे अपना जो भी इमेज आपने सर्च करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे सोलर सिस्टम के ऊपर करनी है फॉर एग्जांपल से, तो आप वहां से उसको सोलर सिस्टम के आप ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो या वेक्टर्स ले सकते हो या इलस्ट्रेशन का कुछ भी पार्ट ले सकते हो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हां जी सर, आपने बताया था कि सर हम कोई भी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के बैक साइड में ला सकते हैं सर, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? हाँ, तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+ब्रैकेट। ओके सर, थैंक यू। हाँ, जो एक कीबोर्ड के साथ P के साथ जो एक ऑप्शन होती है Ctrl+ब्रैकेट की ऑप्शन। अगला कोई क्वेश्चन? जी जी गीता। हाँ जी बोलो। मोबाइल में बैकग्राउंड पे नहीं मिल रहा था। हाँ, मोबाइल में वही कह रहा हूँ आपको, SS का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो एकदम से आपको सीखना इमीडिएटली नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैंने अभी आपको जो डेमोंस्ट्रेशन दी है वो सिर्फ एक लैपटॉप के ऊपर दी है, मोबाइल के ऊपर बताने के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, और क्योंकि उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, वहां पे भी इजी, पर उसमें आपको कंट्रोल कीज की ऑप्शन थोड़ी सी कम है। ओके सर। अरुण सर, आप अब ले सकते हो अपना टाइम। जी जी, मैं सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करूंगा कि अगर उनका कोई प्रश्न है, जैसे अभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पूछे, बहुत सारे प्रश्न भी पूछे, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं एक-एक करके अपना माइक जो कोई ऑन करना चाहे तो एक-एक करके वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं सर से। आशुतोष सर, मैं जैसे जैसे वो बच्चों के प्रश्न बनते जाएंगे तो एक बार आप जितना भी आपने बताया है आज, तो क्या आप क्विकली एक बार रिव्यू कर सकते हैं सारा कंप्लीट क्विकली, मतलब जैसे पहले तो हमने लिया था लेने के बजाय सिर्फ टूल सारे के सारे, मतलब मैं ओरली इसको मैं टूल को बता दूंगा, मतलब जो आपने, हाँ जी बिल्कुल, वो खोल के प्रेजेंटेशन आपकी खोल के, ताकि जो जो टूल्स थे सारे एक बार बस क्विकली मतलब फटाफट से, ताकि जो बच्चे और कोई सवाल पूछना चाहे तो उन्हीं टूल्स के ऊपर पूछ सकें। हाँ जी, तो मैं वो मैं एक बार दोबारा खोलूं?
जी प्रेजेंटेशन प्लीज दोबारा खोल के इंटरफेस को एक बार दोबारा हम बच्चों को समझा सके। ओके मैं दोबारा मैंने अब आपको अब सिंपल सिंपल सा बताऊंगा कि जैसे कि अगर मैंने कोई टूल यहाँ पे लिया तो मैंने यहाँ पे इसके लिए कॉमिक करेक्टर ढूंढा, कुछ भी अगर आप सर्च करोगे आपके टॉपिक के रिलेटेड तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ए टू जेड मिलेगा आपको एलिमेंट्स के अंदर। जो मैंने यहाँ पे आपको बैकग्राउंड भी होगा वो भी मिल जाएगा आपको, सब कुछ यहाँ पे सारे टूल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे जो ग्रीनली दिखानी है ये मुझे मिल गया, क्लाउड्स दिखाना है वो मुझे मिल गया, स्पीच बबल्स दिखाने वो मिल गया, करेक्टर के लिए मैंने कुछ करेक्ट अपना टेक्स्ट लेना है तो मुझे वो टेक्स्ट के ऑप्शन में लिखना पड़ेगा, वो भी मुझे यहाँ से एसेस इजीली हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कलर ऑप्शन के लिए हमें, मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर ऑप्शन आ जाती है जिसके अंदर ब्लैक जो इसके इस लेडी के ऊपर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, ब्लैक ग्रे येलो ब्लू वाइट ये सारे कलर ऑप्शन इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। अगर मुझे इसको कोई भी चेंज करनी है तो मैं इसको यहाँ से ही चेंज कर पाऊंगा। दूसरा इसमें आप एडिट इमेज के अंदर जाके कुछ अलग करना है तो वो तब आएगा जब आप कोई इमेज यहाँ पे अपलोड करते हो, जो इमेज यहाँ पे अपलोड करते हो तब इसमें एडिट इमेज के अंदर जाएगी। वो मैं आप सेशन अगर आपको इंटरेस्टेड लगा फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, पर अभी के लिए सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो ये टूल्स है आप इस टूल को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये टूल्स मैंने आपको बताया कि पिक्साबे से निकाला हुआ टूल है जिसमें मैंने ये निकाला, तो आप ये वहाँ से पिक्साबे से आप उसको एसेस कर सकते हो। अदरवाइज आप पिक्साबे में यहाँ से भी पिक्साबे के लिए कुछ भी चीज ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से बुक लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये वही चीज आएगी, पर इसके अंदर बहुत रेयर होगा कि आपको ऐसी इमेज मिलेगी, आपको वो ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी इमेज आपको बहुत कम मिलेगी और वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी, इसलिए मैं आपको वेबसाइट के अंदर लेकर गया। यहाँ पे आपको इमेज ढूंढनी पड़ेगी, आपको पूरा स्क्रॉल करना पड़ेगा कि आपको वो इमेज कहाँ पे आ रही है। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसका कुछ क्वेश्चन करना चाहता है, कुछ भी चीज समझना चाहता है, अगर उसको चीज नहीं समझ आई है तो वो मेरे से पूछ सकता है कि वो चीज कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी। सर जी बेटा, मैंने छोटा सा आपने जो अभी समझाया उसके उसको देख के मैंने बनाया है, कैन आई शो यू? एक मिनट मुझे आपसे स्टॉक शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो कैन आई शो? हाँ जी बताइए, दिखाइए। तो मैंने अभी फर्स्ट यहाँ पे ये बनाया है। वेरी गुड, मुझे इसको वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आपको मेरी बात वेरी गुड अच्छी तरीके से समझ आई है। वेरी गुड, थैंक यू सर। अब आपने जैसे कि हाँ जी दिखाओ एक बार, मुझे दोबारा दिखाओ, मैं अभी देख रहा था उसको। यस सर। जैसे कि अभी ये देखो ये एलिमेंट आपका थोड़ा सा बाहर है, इसको अगर आप क्रॉप कर दो तो इसको ये जो ब्रैकेट के अंदर ले आओ तो ये बहुत और इनहांस होएगा, ये एक सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाएगा। वेरी गुड, अब आपका ये बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इफ अगर हमें इसे सेव करना हो किसी ड्राफ्ट टाइप में, बेटा आपने इसके अंदर बना दिया तो वो डिलीट कभी नहीं होएगी, वो चीज ऑलरेडी ड्राफ्टिंग के अंदर आ जाएगी, वो कभी डिलीट नहीं होगी जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे। सर हम इसे शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो इसको शेयर, आप इसमें एक अपना ग्रुप बना के भी इसको आप इसको यूज कर सकते हो, जिसमें आप इकट्ठे अपने साथ जोड़ के अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स सर्कल जोड़कर इकट्ठे इसमें ड्राइंग या कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। Another question? Okay, sir. बहुत ही बढ़िया इंटरेक्टिव सेशन रहा और बच्चों ने बहुत सारे सवाल भी पूछे। मेरे पास यहाँ चैट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं जस्ट गिव मी ए मिनट।
मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, जो आईटी सेक्टर होता है ये बड़ा ही डायनेमिक सेक्टर है, और आज भी मुझे मीटिंग में से एक दो लोगों को रिमूव करना पड़ा क्योंकि एक छोटा सा मतलब उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट ठीक नहीं था। तो जो बच्चे ऑनलाइन आजकल एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या सर ने भी वेबसाइट के बारे में बताया, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल, और कोशिश करें कि जब आप आईटी के इस तरह यूज़ कर रहे हैं। ये एक मुझे एक और किसी को रिमूव करना पड़ेगा। ये एक जैसे फॉर एग्जांपल अभी मीटिंग में हो रहा है, तो एक आईडी है जो बार बार आती है मीटिंग में और चली जाती है और बीच में शोर मचाती है। तो ये डिस्टरबेंस जो हैं ये कहीं भी किसी वक्त भी हो सकती हैं बेटा। अगर आपके पास आईटी का साधन है तो बड़ों की हेल्प ज़रूर लिया करो साथ में। कोई भी चीज़ आपके कंप्यूटर पे ऐसी आ जाए जो आपको नहीं चाहिए, तो कोशिश करो कि बड़ों की सहायता से ही वो जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आप करें। जो बाकी बच्चे हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं उनको एक एक करके मौका दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि वो अपनी बात यहाँ पे कह सकें। उम्मीद है कि आज का सेशन जो है सभी को पसंद आया होगा, लेकिन उससे पहले, बच्चों के पास बढ़ने से पहले, मैं पुनीत अरोड़ा जी को एक बार फिर से इन्वाइट करना चाहूँगा कि वो आज के सेशन में पहले कुछ कहें, फिर मैं एक एक करके बच्चों के नाम लूँगा, या जो पार्टिसिपेंट्स हैं बच्चे मतलब पार्टिसिपेंट्स, मैंने बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट किया हालांकि, तो चैट के मैसेजेस भी इसके बाद मैं पढ़ूंगा। तो पुनीत अरोड़ा जी, सबसे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं सर, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम बच्चों ने पिक किया और बना दिया इतना फास्ट। तो आप देखें, इस टूल का जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, मन में एक डिज़ायर है कुछ बनने का, करने का, तो एकदम आप देखिए, आप 1 घंटे आधे घंटे के लेक्चर सेशन से ही आप सीख गए। और दो बच्चे, चैतन्य भी है एक बच्चा, वो भी दिखाना चाहता है, उनको भी एक मौका दें, उन्होंने कुछ बनाया है वो भी दिखाना चाह रहे हैं। जी चैतन्य, दिखाएं, अब आप दिखाएं अपनी चीज, प्रेजेंट करें। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बनाया, बैकग्राउंड फोरग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से आपने यूज़ किया है। वेरी गुड चैतन्य, आयरस भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। चैतन्य थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत यस अच्छा सर। चैतन्य, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया आपने बनाया। आप अपनी प्रेजेंटेशन प्लीज़ बंद करिए, और क्लैप है चैतन्य के लिए, बहुत बढ़िया बनाया। अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस आयरस, बहुत अच्छा बनाया आपने। तो थैंक यू सर। देखिए एनिमेशन भी उन्होंने यूज़ कर लिया, तो एक बहुत अच्छा और सफल सेशन डॉक्टर आशुतोष, बहुत बधाई आपको। सर थैंक यू बच्चों का कि जिन्होंने, इनकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है कि उनके इमेजिनरी क्रिएटिव से मैं उनके मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को चीज बता सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को एनहांस कर सकते हैं। कभी भी कोई आपकी प्रेजेंटेशन क्लासरूम में होती है तो आप उसको बहुत सुंदर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने टीचर के सामने, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत बढ़िया, बहुत ही थैंक यू बढ़िया। सर। अब मैं जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनमें से पढ़ देता हूँ, ज़्यादातर आपके लिए बहुत अच्छे शब्द आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ना कहते हैं, तो इसीलिए मैं एक बार कुछ अच्छे शब्द जो हैं स्किप करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ सवालों का जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं। ख़ास तौर पर नोटर जो हैं हमारे यहाँ प्रोफेसर रचिता हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा आपके लिए कमेंट लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। इट वॉज एन इंफॉर्मेटिव सेशन, आई टीच मार्केटिंग टू स्टूडेंट्स, दिस वुड बी हेल्पफुल टू द MBA स्टूडेंट्स इन एडवर्टीजमेंट प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। देखिए बहुत बढ़िया, तो जो आज का सेशन था उसका जो मेन मकसद है कि कॉमिक्स के ज़रिए एक प्रेजेंटेशन कैसे इन्हांस की जा सके, और आपने जो MBA स्टूडेंट्स के लिए भी उसका जिक्र किया है, बहुत बढ़िया प्रोफेसर रचिता, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आप ऐसा जो भी बनाएंगे वापस शेयर करेंगे और हम उसके ऊपर बातचीत कर सकेंगे। बिश साहब ने लिखा है कि इट वॉज़ ए वंडरफुल मीटिंग। उसके बाद बाकी तो लिखा है कि चाहते थे दिखाना, और थैंक यू वेरी गुड के मैसेजेस आए हैं आपके लिए, बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो मैं सारे मैसेज तो नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे। तो मैंने मोटा मोटा ये बता दिया कि अगर हमारे पास पार्टिसिपेंट 27 हैं तो 27 बार आपको वेरी गुड और शाबाश मिली है डॉक्टर आशुतोष, बहुत बधाई आपको आज के सेशन के लिए।
थैंक यू बच्चों। तो पार्टिसिपेंट्स, अब मैं आपको एक मौका दूंगा, ये हमारा फाइनल है हमारे इस सेशन का, इसके बाद हमारा सेशन आज का समाप्त होगा और फिर आपकी फीडबैक के ऊपर हम अगला सेशन ज़रूर करेंगे और इनवाइट करेंगे आपको फिर से। अब मुझे ये बताइए, अब अगर कुछ कहना चाहते हैं आप में से कुछ लोग तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कोई भी अगर आप एक एक करके अपनी बात कहना चाहें, जो कहना चाहता है प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लीजिए ताकि एक एक करके हम सभी को सुन पाएँ। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से सभी को मैं एक पहले जो ए से लेकर आप कह लीजिए एम तक के करेक्टर्स में जिनके पहले नाम आते हैं, प्लीज़ अगर उसमें से कोई कुछ कहना चाहता है। जी चलिए, उसके बाद जो एन के बाद वाले करेक्टर्स के नेम है जिनका, उनमें से कोई कुछ कहना चाहता है। जी सर, जो हम से शेयर करते हैं सर, वो हमारी वेबसाइट में ही शेयर होते हैं या फिर सर वो अलग से किसी तरह से शेयर होता है? आप शेयर करते क्या बेटा, पहले ये बताओ। सर जो हमने एनिमे उसमें जो सर हमने बनाया है कॉमिक्स का जो सर स्ट्रिप बनाया है सर, उसको जब हम शेयर करेंगे तो वो उसमें वेबसाइट में ही शेयर होगा या इसका शेयर भी आप इसके अंदर ऑप्शन है, पर इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी, आप उस चीज को डाउनलोड भी कर सकते हो, उस चीज को डाउनलोड करके अपने पेन ड्राइव में या अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप में डाल सकते हो डाउनलोड करके। आपको व्हाट्सएप में वेब लिंक करना तो आता होगा कि वेब लिंक करके इसको आप व्हाट्सएप में भी इसको डाल सकते हो फॉर द प्रेजेंटेशन। आपने किसी टीचर को आपने प्रेजेंटेशन देनी है कि मैंने सोलर सिस्टम के ऊपर ये प्रेजेंटेशन बनाई है, तो ये साइंस के टीचर को मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो साइंस के टीचर के व्हाट्सएप में आप उसको प्रेजेंटेशन डालो और उनको व्हाट्सएप वहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज आप उनको अपने स्कूल में प्रेजेंटेशन पेन ड्राइव में डाल के उसको प्रोजेक्टर के थ्रू आप उनको शो करके दिखा सकते हो कि ये मैंने सोलर सिस्टम के ऊपर कुछ बनाया, गैलेक्सी के ऊपर या सोलर सिस्टम कुछ भी। ओके सर, थैंक यू। चलो फिर एक फाइनली क्वेश्चन पूछता हूँ मैं बच्चों से, जो पार्टिसिपेंट्स हैं क्या ये सेशन का जो एक्सटेंशन, क्या एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सभी पार्टिसिपेंट से कि क्या इस सेशन का एक्सटेंशन वर्जन होना चाहिए, क्या एक बार दोबारा इसकी चीज को सीखना चाहिए आगे फर्दर? यस सर, यस सर। चलो ये यस सर जो बता रही है ये एक सफलता का संकेत है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम इसका नेक्स्ट सेशन जरूर लेके आए। मैडम पद्मनी आप कुछ कहना चाह रहे थे? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आशुतोष, इट वाज अ वंडरफुल थिंग, आई गॉट टू लर्न सो मच, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड इन ऑल दिस। Though I draw a little bit, तो मैं वही सोच रही थी, and to make a comic strip, so many options and so many things, but I think I need to go with one more round. ये जो आपने, yeah, I'm not that smart like these kids. They're quite smart and they've done a wonderful thing. So maybe I need to sit and work and then come back. But Arun ji, we look forward for one more session. Maybe he can give us a challenge and we do on that. And come up with a storyboard, I think that would perhaps makes it more interesting. या वंडरफुल सुजेशन, आई थिंक सभी बच्चे भी, मैं सभी से बल्कि पार्टिसिपेंट से ये कहूँगा कि अगर वो अपना कुछ बनाते हैं इस कॉमिक स्ट्रिप को लेकर, मैं यहाँ एक ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, यहाँ पे चैट बॉक्स में एक ईमेल आईडी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप मुझे जो भी आप बनाओगे वो मुझको भेज सकते हो, और जो आप भेजोगे हमें हम अपने अगले सेशन में उसको फीचर भी करेंगे। हमारी एक मैगजीन निकलती है उसके अंदर भी फीचर करेंगे, पुतलिका पत्रिका के नाम से हमारी मैगजीन निकलती है उसमें भी फीचर करेंगे, प्लस हमारा जो ग्रुप है सोशल सब्सटेंस जिसकी मैं बात कर रहा था उसके अंदर भी हम वो आपका कॉमिक बुक जो स्ट्रिप बना के आप हमें भेजोगे वो फीचर करेंगे। तो मैंने एक ईमेल आईडी आपको दिया है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनके लिए यहाँ पे एक लिंक भी लिख रहा हूँ, मैं बस एक मिनट लिंक टाइप कर रहा हूँ सोशल सब्सटेंस का, ये मैंने लिंक टाइप कर दिया है, ये वो ग्रुप है जिसके अंदर हम सब लोग मिल जाते हैं। आप भी आइए, मिलिए, बैठिए हमारे साथ, और जो काम आप करते हैं वो काम अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आगे बांटना चाहें, किसी को सिखाना चाहें, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक सीरीज़ भी शुरू की हुई है बच्चों को एग्जामिनेशन में भी हेल्प करने के लिए, जो स्कूल का सिलेबस है उसको भी हम ग्रुप में पढ़ते हैं। हमने कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं,
जो अलग अलग क्लासों में हैं और वो अपने पाठ पढ़ते हैं ताकि उनके और जो साथी हैं उनको हेल्प मिले। तो आप भी ऐसा कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपका बहुत स्वागत है इस ग्रुप में। जो बच्चे अभी छोटी क्लासों में हैं उनके लिए मैं खास तौर पे हिदायत देता हूँ कि ये जो फेसबुक है या ये सोशल मीडिया है उसको खास तौर पे बड़ों की देखरेख में ही यूज़ करें। आगे आपकी स्क्रीन पे क्या आएगा ये सोशल मीडिया पे किसी को भी नहीं पता होता। तो इसके साथ ही मैं जो हमारा लाइव सेशन है वो लाइव ऑडियंस से मैं एक बार इजाज़त लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम मीट के ऊपर बातचीत अलग से करेंगे। ये मैं लाइव सेशन अभी क्लोज़ करता हूँ यहाँ पर।